हरिद्वार में दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर हुई करोड़ों रुपए की डकैती के बाद जिले के सभी सराफा व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं रुड़की में सराफा एसोसिएशन और व्यापार मंडल ने शहर के समस्त सराफा व्यापारियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। लगभग एक सप्ताह पहले हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े बदमाशों ने करोड़ों रुपए की डकैती घटना को अंजाम दिया था, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसको लेकर सराफा व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है। रुड़की के समस्त व्यापारी एसोसिएशन ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष विजय चौहान और व्यापारी मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने मांग की है कि पूर्व में हुई सभी लूट व डकैतियों का पुलिस खुलासा करे, साथ ही सराफा व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी इन लोगों ने की है। आए दिन जो वारदात होती है वो सराफों के यहाँ ज्यादा होती है और एक ही समय में उन्हें लूट लिया जाता है और उसका कोई भी खुलासा नहीं हो सकता है। इसमें हमारा शासन प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी सहयोग नहीं करती। आज तक जितनी भी डकैतियां हुई हैं कोई भी खुलासा नहीं है। अगर किसी भी किस्मत से कोई खुल भी गई तो उसमें कोई भी उपलब्धि नहीं हो पाती। हमारे शासन की निष्क्रियता है जो कि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसे पूर्ण रूप से सहयोग मिलना चाहिए और सर्राफों को सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। तो हुई थी दिन दहाड़े और उसमें सभी जितना भी व्यापारी वर्ग जितने भी व्यापारी हैं सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जो है व्यापारी के लिए बहुत दुखदायी होगा। मैं तो प्रशासन से और जनता से शासन से ये आशा करता हूँ कि वो अपना जो बदमाश इधर उधर घूम रहे हैं उन पर कंट्रोल करें और इस खिलासों को जल्दी से जल्दी खुलासा करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।